नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं कॉर्न पीस पुलाव। जी हाँ, कॉर्न से हम बनाएंगे पुलाव, जिसके साथ हमने मटर भी ले रखे हैं। कॉर्न एक कटोरी है तो मटर भी एक कटोरी है, और साथ ही में हमने सोक करके रखे हैं नगेट जो एक कटोरी है। उसके अलावा हमने लिए हैं प्याज जो दो मीडियम साइज में है, और थोड़ा सा अदरक और एक मिर्च जिसे हमने स्लिट करके रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। लीजिए, हमने बर्तन चढ़ा दिया है, इसमें हमने दो सर्विंग स्पून तेल डाला है। आप तेल कोई भी ले सकते हैं। और फ्लेवर के लिए हम ले रहे हैं इलायची, काली मिरी और लवंग, इसे हमने डाल दिया है। इसके अलावा हम जीरा एक टीस्पून ले रहे हैं, मैं हाथ से डाल रही हूँ, और 1/4 स्पून हमने ली है हींग। अब हम डाल देंगे जिंजर एंड ग्रीन चिलीज, और साथ ही में डाल देंगे प्याज। इसी के साथ हम मटर भी डाल देंगे, बिकॉज मटर को टाइम लगता है पकने के लिए। तो हम ये सारी चीजें डाल रहे हैं, फ्लेम मीडियम पे रखेंगे और इसे ढक देंगे ताकि हमारे जो मटर है वो अच्छे से कुक हो जाए। आप देखेंगे मटर आधे पक गए हैं, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे, वो हम बाकी सब्जियों के साथ, दैट इज कॉर्न एंड नगेट के साथ पका लेंगे। अब यहाँ पर मैं नगेट्स डाल रही हूँ, जिसे हमने पानी से निकाल लिया है, स्क्वीज कर लिया है, और साथ ही में एक कटोरी कॉर्न की भी डाल दी है। अब इसमें हमारे जो मसाले होंगे बहुत बेसिक होंगे, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ वो 1 चम्मच, और गरम मसाला डाल रही हूँ। आई एम नॉट यूजिंग पुलाव या बिरयानी मसाला इन दिस, उससे टेस्ट बहुत अलग हो जाएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स नहीं है। हमें कॉर्न का टेस्ट चाहिए अपने इस पुलाव में। इसके अलावा नमक मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ, वो इसलिए कि हमारे जो राइस हैं वो 2 कटोरी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे राइस। इसे मिक्स कर लीजिए। इसी स्टेज में मैं एक और चीज डालना चाहूंगी, दैट इज मैं डालने जा रही हूँ 1 चम्मच कसूरी मेथी। ये चावल के साथ कुक हो जाएगी तो फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर से इसे नहीं डालना चाहेंगे, इसके साथ खाने के साथ बाकी सब्जियों के साथ राइस के साथ मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इसे और भी डाल सकते हैं अगर इसका टेस्ट आप ज्यादा चाहते हो। अब इसे हम एक उबाला आने तक हाई फ्लेम पे रखेंगे। जैसे ही उबाला आ जाएगा हम सिम कर देंगे और ढक देंगे, और ताकि ये अच्छे से धीरे धीरे पकते रहें। एक बॉईल आ गया है, गैस स्लो कर दीजिए और इसे ढक दीजिए। अभी 2-3 मिनट के बाद दोबारा हम चेक करेंगे कि कितने हो गए हैं। चेक कर लेते हैं, जी हाँ, हमारे राइस तैयार हो रहे हैं।
यहाँ पर हमने एक और चीज डालनी है, दैट इज धनिया पाउडर। हम इसमें फ्रेश धनिया इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, विल बी यूजिंग पाउडर 1 टेबलस्पून। ये भी बहुत अच्छी खुशबू लाएगा पुलाव में। फिर से हम कवर कर देंगे इसे। चेक कर लेते हैं, यस बहुत ही बढ़िया, हमारे राइस ऑलमोस्ट रेडी है। थोड़ा सा पानी बाकी है, हम उसे भी सुखा देंगे। इसे 1-2 मिनट के लिए हमने दोबारा रख देना है। और इस स्टेज में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी, दैट्स इट। लीजिए, हमारे चावल तैयार हैं। पानी सूख गया है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। लीजिए, कॉर्न पीस पुलाव तैयार है। इसे आप रायते के साथ ले सकते हैं या फिर किसी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ ले सकते हैं, पसंद आपकी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी सिंपल लगेगी। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।